हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो, आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं जियो जिंदगी सनम के साथ। दोस्तों, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरी बात, मेरे थॉट्स अच्छे लगते हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूर्खों के विषय में। मूर्ख, बेवकूफ, नादान, नासमझ, जो भी आप शब्द का उपयोग कर लो, मगर मूर्ख शब्द सबसे ऊपर रहता है। नादान की दोस्ती जी का जंजाल। मूर्ख व्यक्ति संगति में अगर आप जाते हैं, मूर्ख व्यक्ति से आप अगर जुड़ते हैं, तो वो मूर्ख व्यक्ति से ज्यादा बड़ा मूर्ख आप खुद बन जाते हैं दोस्तों। क्योंकि मूर्ख को तो पता ही नहीं है कि वो मूर्ख है, और अगर आप मूर्ख को मूर्ख कहोगे तो आपके साथ वो तर्क वितर्क में लग जाएगा, वो जिद पे आ जाएगा कि मैं मूर्ख कैसे, मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे बताओ। मूर्ख कभी भी नहीं मानेगा कि वो मूर्ख है। दोस्तों, मूर्ख के साथ रहना, मूर्ख की संगति में रहना, खुद का नुकसान करना, खुद के समय को भी नष्ट करना, खुद के दिल दिमाग को भी तकलीफ में डालना और हर प्रकार से परेशानी झेलना, बहुत मतलब अजीबोगरीब चीज है अगर मूर्ख के साथ आप जुड़ते हो। दोस्तों, हम सब ने बचपन में पढ़ा होगा, सुना होगा जो राजा की कहानी थी, राजा और बंदर की। मूर्ख बंदर को जब राजा अपनी सेवकाई में लगाता है तो वो जो बंदर है वो सोचता नहीं है कि मतलब उसकी मूर्खता का वो एक कितना बड़ा उदाहरण है। अगर हम ध्यान से उस कहानी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, कि राजा जब सो रहे होते हैं, राजा को मक्खी, एक मक्खी तंग करती है, वो पंखे से पहले तो बंदर हटाने की कोशिश करता है, जब नहीं उसको समझ में आता है तलवार निकालता है। दोस्तों, तलवार तलवार निकाल कर कभी राजा के सर पे से तलवार घुमा रहा है, कभी उसके चेहरे पे से घुमा रहा है, कभी गर्दन के पास से घुमा रहा है। दोस्तों, उस कहानी के मुताबिक राजा पूरे महल में भागा भाग हो गया था, जान के खतरे हो गए थे उसको। दोस्तों, ये एक मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। मूर्ख इंसान नहीं सोचता, वो खुद का तो जो नुकसान करता है करता है, सामने वाले का क्या नुकसान हो रहा है, उसके कारण, उसकी बातों से, उसके बिहेवियर से क्या तकलीफ में सामने वाला आता है, वो नहीं मानेगा। और नहीं मानने के साथ दोस्तों, उस चीज को वो रियलाइज भी नहीं करेगा कि उसके कारण कितना बड़ा नुकसान हो गया है या उसके कारण कितनी बड़ी तकलीफ आ पड़ी है। दोस्तों, कई बार मूर्खों की वजह से बड़े बड़े रिश्ते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मूर्ख की एक और आदत होती है इधर की उधर करना। वो नहीं समझता है कि ये बात इधर का उधर करने में और मिर्च मसाला लगा के करने में क्या नुकसान हो जाता है। ये सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि जिसे रिश्तों की इज्जत होगी, कीमत होगी और समझ होगी, वो व्यक्ति कभी भी इधर का उधर नहीं करता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है। मूर्ख व्यक्ति के पास ज्ञान का अभाव होने के कारण, ज्ञान की कमी होने के कारण, या फिर मूर्ख व्यक्ति का एक और पॉइंट है दोस्तों, कि वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। हर मूर्ख को लगता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, और वो ज्ञान अपने आप में उसको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही है, वो जो कह रहा है वो सही है, हर तरीके से वो अपने आप को परफेक्ट समझता है। इस चक्कर में वो सामने वाले का बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, और कई बार बातें बढ़ा चढ़ा के करना, कई बार रिश्तों का कहते हैं ना रिस्पेक्ट नहीं करना, तो उस कारण कई बार बड़े बड़े नुकसान आप देखते हैं कि फाइनेंशियली भी हो जाते हैं, फैमिली में भी हो जाते हैं, और ज्यादातर दोस्तों की दोस्तियां भी टूट जाती है। दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति से बचने का सिंपल सा, आसान सा तरीका है, आप दूरी बना लें। आप अपने आप में, हर इंसान समझदार है, हर इंसान को पता है कि कौन व्यक्ति उसके लिए अच्छा है, कौन व्यक्ति बुरा है, कौन सा व्यक्ति मूर्ख है, कौन सा व्यक्ति ज्ञानी है, कौन सा व्यक्ति उसको एक अच्छी दिशा दिखा सकता है, अच्छा रास्ता दिखा सकता है, अच्छी बात समझा सकता है। ये हर इंसान में क्वालिटी होती है, और अगर नहीं है इंसान में क्वालिटी, तो
दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उस क्वालिटी को डेवलप कीजिए। अगर आप मूर्ख की संगति में रहेंगे तो उससे बड़े मूर्ख आप साबित हो जाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन का कीमती समय नष्ट हो जाएगा। आपकी चीजें जो आप हैं, जिस चीज में आप, जो काम में हैं, जो दोस्ती में हैं, जो परिवार में, उससे आप अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्योंकि मूर्ख को तो फर्क नहीं पड़ेगा, मूर्ख उस चीज की वैल्यू भी नहीं जानता है। मूर्ख की दोस्ती जी का जंजाल, ये शब्द बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। जंजाल ना पालिए, मूर्खों से दूर रहिए और अपनी वैल्यू करिए, और मूर्ख की संगति से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। दोस्तों, संगति एक ऐसी चीज है दोस्तों, मेरी माँ कहती थी, एक खराब फल, सड़ा हुआ फल दूसरे अच्छे फलों को भी खराब कर देता है। मूर्ख व्यक्ति का एज इट इज वैसा ही है। एक गंदी मछली अखे तालाब को गंदा करती है, ये भी सुना होगा आपने। तो मूर्ख का उदाहरण ऐसा ही है दोस्तों, एक मूर्ख पूरा जीवन आपका बर्बाद कर सकता है दोस्तों। तो मूर्ख को उस खराब फल की तरह साइड पे कर दो, वो गंदी मछली की तरह तालाब से निकाल दो। अपने जीवन से मूर्ख को दूर रखो, खुश रहो, अपनों को खुश रखो और सावधानी से अपने दोस्तों को चुनो, सावधानी से बातों को सुनो, सावधानी से इंसान को परखो। दोस्तों, आप अपने आप में बहुत कीमती हो, ये बात हमेशा याद रखो और हमेशा अपने आप को भी खुश रखो, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को भी खुश रखो। अगर आपको मेरी बात पसंद आई, अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।